देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि आप किसी भी फोटो के एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले वो फोटो आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपका फोटो सिस्टम में नहीं रहेगा तो आप किसी भी फोटो को क्या कर सकते हैं, एडिटिंग नहीं कर सकते, राइट। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले उस फोटो को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लाना है। तो लाने का जो जरिया है, माध्यम है, कैमरा को हम लोग फोटो खींच के यूएसबी के माध्यम से भी ले सकते हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से भी ले सकते हैं। अभी शॉर्टकट क्या आ गया है, व्हाट्सएप ना, व्हाट्सएप के माध्यम से आप फोटो को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ये व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एक फोटो लिया, ये मेरी बिटिया का फोटो है। इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और सेव एज करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, राइट। और ये डाउनलोड जब हो जाएगी तो हम लोग को क्या करना है, फोटोशॉप खोलना है। फोटोशॉप खोलने के बाद या तो आप डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे खाली जगह पे, या तो आप फाइल में जाके ओपन ऑप्शंस पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपका फोटो आपने सेव किया है, स्टोर किया है, आप उस जगह को पहले सेलेक्ट कर लो। तो आपका फोटो जहाँ पे होगा उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, आप यहाँ से खोजिए, ये हमारी बिटिया का फोटो है, ठीक है। अच्छा, ये फोटो अभी यहाँ पे नहीं आया है, तो आप इस फोटो को क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर जाइए, है ना, और वो फोटो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आप, हम सबसे पहले हम लोग पेंट में निकाल लेते हैं, ये पेंट में, और इसको जूम छोटा कर देते हैं, जूम छोटा कर दिए, और यहाँ से सेलेक्ट टूल से लेके यहाँ से फोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना फोटो हमको चाहिए सेलेक्ट कर लिए, आप कंट्रोल सी कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे, फाइल में जाके न्यू लेके कंट्रोल ये आ जाएगा साइज उसका, और कंट्रोल भी कर दी, यही मेरी बिटिया का फोटो वहाँ से यहाँ पे हम ला लिए, है ना। अब इस फोटो का सबसे पहला चीज़ है कि बैकग्राउंड अगर हम चेंज करेंगे, तो अगर बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड चेंज करने का जो तरीका होता है क्या होता है, आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो पॉलीगन टूल्स होता है, यहाँ पे पॉलीगन टूल्स, है ना, इस ऑप्शन पॉलीगन टूल्स, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बारीकी से कटिंग कर सकते हैं, बारीकी से कटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आज जो है हम सॉफ्टवेयर बता रहे हैं जो आपको ऑटोमेटिक वो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं जेपीजी में, और यहाँ डेस्कटॉप में ही रखते हैं और नाम दे देते हैं एफ। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग गूगल जाइएगा, गूगल में एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखिएगा, यहाँ से बीजी रिमूवर, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, इमेज का बैकग्राउंड चेंज होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से पिक्चर्स को अपलोड कीजिए जो आपकी फ़ोटो को आप चेंज करना चाहते हैं। तो एफ है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड किए हैं। आप देखिए, ये जो पिक्चर अपलोड किए हैं तो ये जो है गूगल के माध्यम से ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देख रहे हैं ना, पीछे का हट गया, हट गया कि नहीं। अब इसको आप डाउनलोडिंग कर लीजिए, डाउनलोडिंग कर लिए, अब यहाँ से हम लोग ओपन फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे फोटो ये, इसको राइट क्लिक कीजिए, अब कॉपी कर लीजिए, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके फाइल में जाके न्यू लेंगे, और यहाँ से जो कलर आपको लेना है, जो भी कलर लेना है कलर ले लीजिए, यहाँ पे कलर उसको डाल दीजिए। अगर आपको कलर नहीं लेना है, आपको अगर कलर नहीं लेना है तो यहाँ पे आप फिर से एक इसको आप कर दीजिए, क्या काम हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, आपको बैकग्राउंड इमेज लेना है, आपको जहां पे आपको लगाना है उस बैकग्राउंड इमेज को आप ले लीजिए। मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड हम लोग लगाएं, इसको राइट क्लिक करके सेव कर लीजिए और ये सेव एज कर लीजिए, ये खुल गया। यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाइए और यहाँ से आपको क्या करना है, पकड़ के खींच दीजिए, यहाँ से खींच कर यहाँ पे लाइए, आ गया ये फोटो। हाँ, अब इस पर हम अपनी बेटी का फोटो लगाएंगे, तो जो हम कॉपी किए हुए थे उसको कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड,
जो हम कॉपी किए थे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। तो यहाँ कंट्रोल भी कहाँ से करेंगे, जो मेरी बेटी का फोटो है, तो डाउनलोडिंग में हमारा बेटी का फोटो होगा जहाँ पे हम डाउनलोडिंग किए थे, ये वाला था है ना, यही ना था। इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और ये वाले फोटो पे आके कंट्रोल भी कर दीजिए, यानी कि एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ से पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके आएगा बाबू, पेस्ट करना है। तो अब क्या कीजिए, ये जो इमेज है इस इमेज को आप सेव कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इमेज को सेव कर दीजिए किसी नाम से, कर दिए सेव कर दिए, और ये आपको सारा चीज़ को बंद कर दीजिए। ये क्या किए हम, जितना भी खोले थे अब क्या कर दिए, सबको बंद कर दिए। अब जो इमेज को हमने सेव किया उस इमेज को यहाँ से निकाल लीजिए, ये निकाल लिए इमेज को, या जो हमने सेव किया था इमेज, ये इमेज को निकाल लिए, राइट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो बाबू का फोटो है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपको राइट क्लिक करके एडिट में जाके पेस्ट करना है। तो पेस्ट अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, ओपन में जाइए, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन में आना है। किस वाला ऑप्शन में, माय कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडिंग ऑप्शन है, और यहाँ जो बाबू का फोटो होगा उस बाबू का फोटो को यहाँ से क्या करना है, ओपन करना है। ये ओपन आ गया, आ गया दो फोटो आ गया, देख रहे ना, ये बाबू का भी फोटो, ये बैकग्राउंड भी है। अब ये फोटो को, बाबू का फोटो को पकड़िए और खींच के यहाँ पर लाइए और इसको क्लोज कर दीजिए, ये आ गया बाबू का फोटो। अभी इस बाबू का फोटो को हम लगा दिए। अब ये चाहते हैं कि नहीं, बाबू का फोटो को हम जहाँ पे सेट करना है सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा करना है बाबू का फोटो, कंट्रोल टी दबाइए, इस कॉर्नर को पकड़िए, दबाइए, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरी बेटी छोटी है ना, तो छोटा ही रखना पड़ेगा। अब इस फोटो को हम यहाँ सेट कर दिए, इमेज में आके थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट देना है तो कर दे सकते हैं, ये आप लोगों को तो हम पहले ही बता चुके हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट देना है तो आप दे सकते हैं फोटो के हिसाब से, ओके कर दीजिए। फाइल में जाइए, सेव में या सेवेस में आइए, तो हम सेव में ही आते हैं और यहाँ पे कुकू लिख दिए और यहाँ पे सेव में क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम फोटो को अगर हम काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, आप देखेंगे कि जो फाइल हमने बनाया था, यहाँ सारा प्रोग्राम काट दीजिए, काटने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोटो मैंने बनाया था उसमें मेरी बिटिया का फोटो लगा हुआ है, कुकू लिखा हुआ देखो कहीं पे है, कुकू 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 यहाँ कुकू 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 ये है ना, एक फोटो था लगा हुआ, सेवेस करके यहाँ से आपको PSD हटा के JPG लेना है, देखिए यहाँ पे कुकू लगा हुआ, ये फोटो आपका बन गया। मेरी बेटी थी नहीं इस जगह में, ठीक है, मगर ऑलरेडी इस जगह में मेरी बेटी आ गई। ये फोटो को हम लोग पोस्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये पोस्ट हम करते हैं तो फेसबुक में आएंगे यहाँ से, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आएंगे, इसके अंदर आएंगे, और जो मेरी बेटी है उस बेटी का फ़ोटो को हम लोग कुकू का ये लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, स्टोरी में लगा दिया। मेरी बेटी उस जगह थी नहीं, फिर भी हमने क्या किया, उस जगह में सेट कर दिया। तो ये अब क्या है, हमारा स्टोरी में भी हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, BG रिमूवर। कौन सा सॉफ्टवेयर है, BG रिमूवर, ये सॉफ्टवेयर है। तो कम समय में हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए एक बच्चा है, ये बच्चे का फोटो है, एक फोटो है ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ये भी डेस्कटॉप में हम रख लिए, फोटोशॉप में आए यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप में हम उस फोटो को पहले
ओपन कर लेते हैं। अगर ओपन नहीं आ रहा है तो वहाँ से हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद इसको राइट क्लिक करके ओपन इथ और पेंट में क्लिक करेंगे। और ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस पूरे को और कंट्रोल सी करके इस फोटोशॉप में लाएंगे और यहाँ फाइल में जाके न्यू लेंगे और ओके करेंगे तो उसका साइज क्या आ जाएगा, कंट्रोल भी करेंगे। ये फोटो है, इसका तो ऑलरेडी बैकग्राउंड चेंज है मगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ से जो कलर लेना चाहते हैं, यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं उस कलर को लीजिए और ये वाले को उसके अंदर डाल दीजिए और कंट्रोल डी दबा दीजिए। ये हट गया। अब इमेज के अंदर जो है, ये जो देख रहे हैं ना आउटलाइन इमेज के अंदर, यहाँ पे जो है फिल कलर है, स्टॉक कलर है, इसलिए आ रहा था, ठीक है, स्टॉक कलर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद उस फोटो को आप सेव कर सकते हैं यहाँ से JPG लेकर, आप कोई भी नाम देकर JPG दे दीजिए, सेव हो गया। आप इसको काट दीजिए और फिर यहाँ डबल क्लिक कीजिए, देखिए वो जो फोटो का हमने चेंज किया है वो फोटो यहाँ पे आपके बीच में आ गया। अब इस फोटो को अगर हमको साइज बनाना है तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एन करके यहाँ से हम लोग A4 साइज ले लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। कंट्रोल भी करने के बाद कंट्रोल टी दबाते हैं हम लोग और कंट्रोल टी दबाने के बाद ये वाले को हम लोग खींचते हैं और इंटर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ फोटो रखेंगे जितना साइज लेना है ना, हल्का सा, और कंट्रोल और ऑल्ट दबाकर ये छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, जितना भी पीस लेना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर होगा, उस लेयर पे जाएंगे तो उसका फोटो पकड़ा जाएगा यहाँ पे जितना लेयर में जाएंगे वो लेयर का फोटो आ जाएगा आपको, यहाँ पे जितना भी लेयर है उस लेयर का फोटो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वो लेयर का फोटो आ जाएगा यहाँ पे, तो आप जितना फोटो निकालना है निकाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट विद प्रीव्यू, यहाँ प्रीव्यू होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सो मार्जिन भी कर सकते हैं अपने अनुसार, यहाँ पे फिट भी कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से A4 साइज ले सकते हैं आप, ओके कीजिएगा, ये आपका पेज निकलेगा। तो एक लाइन में आपका टोटल पेज कितना निकलता है पता है, एक साइज में एक बार में 6 फोटो निकलता है, 6 फोटो या 5 फोटो निकालता है अपने अकॉर्डिंग निकालता है। ये जो फोटो होता है 5 या 6 निकलता है एक लाइन में, इस लाइन में, ऊपर वाले लाइन में। आप यहाँ से प्रिंट दीजिएगा तो प्रिंट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रिमूव करके आप अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो बना सकते हैं। अब शादी ब्याह में जो फोटो लगता है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज फाइल के अंदर देखिए न्यू जब लेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4x6 होता है, क्या होता है 4x6। तो यहाँ पे ये जो शादी ब्याह के लिए फोटो ये होता है 4x6, ठीक है। यहाँ पे हर एक साइज अवेलेबल है यहाँ पे, बट पासपोर्ट साइज का नहीं दिया हुआ होगा, है ना, हर एक साइज अवेलेबल है, तो वहाँ से आप साइज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करना है भी, ठीक है,